सूरज हमारे सौर मंडल का दिल, जिसके बिना हमारे सौर मंडल का कोई भी वजूद नहीं होता। आज सूरज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अगर सूरज की गर्मी और रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती तो पृथ्वी आज बर्फ से ढकी एक विशाल बॉल जैसी होती। सूरज की गर्मी के कारण ही पृथ्वी पर समुद्र गर्म रहते हैं और जमते नहीं है। पृथ्वी का वातावरण भी सूरज के कारण ही बदलता रहता है और सभी पौधे पेड़ों तक अपनी रोशनी को पहुंचाता है। और ऐसे ही कई सारी बातें हैं, टॉपिक्स हैं और अननोन फैक्ट्स हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरज से जुड़े 50 अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सूरज को एंशियंट पीरियड में कई अलग अलग कल्चर्स में एक देवता के जैसे पूजा जाता था, जिसमें इजिप्शियन, इंडो यूरोपियन और मेसो अमेरिका जैसे एंशियंट कल्चर शामिल थे। और आज भी दुनिया भर में सूरज को कई अलग अलग जगहों में एक देवता के जैसे ही पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 2। 450 BC में तुर्की के साइंटिस्ट व फिलोसफर एनैक्सागोरस पहले इंसान थे जिन्होंने सूरज को ऑब्जर्व करके दुनिया के सामने पहली बार ये सुझाव दिया कि सूरज एक तारा है। फैक्ट नंबर 3। सूरज की एज करीब 4.5 अरब साल है। फैक्ट नंबर 4। सूरज बाकी तारों के मुकाबले काफी यंग है, जो सूरज को पॉपुलेशन 1 तारे की कैटेगरी में जोड़ता है। पॉपुलेशन कैटेगरी स्टार सिस्टम में क्या है और कितने तरह की कैटेगरी होती है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फैक्ट नंबर 5। सूरज हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट है। फैक्ट नंबर 6। सूरज के जन्म को लगभग 4.5 अरब साल हो चुके हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज ने अपनी आधी लाइफ जी ली है, मतलब सूरज अब 4.5 से 5 अरब साल तक ही अस्तित्व में रहेगा। फैक्ट नंबर 7। सूरज का मैस पृथ्वी की तुलना में 3,33,000 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 8। सूरज पूरे सौर मंडल का लगभग 99.86% के मैस को घेरता है, जो उसे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे हैवी स्पेस ऑब्जेक्ट बनाता है। फैक्ट नंबर 9। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से करीब 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर ट्रेवल कर रहा है। फैक्ट नंबर 10। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। फैक्ट नंबर 11। अगर सूरज अस्तित्व में नहीं होता तो सभी ग्रह गोल घूमने के बजाय सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होते। फैक्ट नंबर 12। सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। फैक्ट नंबर 13। सूरज और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह एक विशाल बबल के अंदर मौजूद है। इस बबल को हीलियोस्फेयर कहा जाता है। यह इंटरस्टेलर स्पेस और सौर मंडल के बीच की बाउंड्री है, जहां सूरज की ग्रेविटी और सोलर विंड्स का असर खत्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 14। सूरज की सोलर एनर्जी में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है, जो पूरे सौर मंडल में फैलती हुई जाती है। फैक्ट नंबर 15। सूरज की एनर्जी का सोर्स हीलियम और हाइड्रोजन है, जिनके फ्यूजन से सूरज आज तक सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहा है। फैक्ट नंबर 16। सूरज ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन को सपोर्ट करता है। फैक्ट नंबर 17। सूरज 3 अलग अलग तरह की एनर्जी को सौर मंडल में छोड़ता है। पहली इंफ्रारेड रेडिएशन, दूसरी विजिबल लाइट और तीसरी अल्ट्रावायलेट लाइट। फैक्ट नंबर 18। पृथ्वी की ओजोन लेयर सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, जो हमें सनबर्न जैसी स्किन प्रॉब्लम होने से बचाती है। फैक्ट नंबर 19। सूरज के कोर से बनने वाली गर्मी और एनर्जी को रिलीज होने में लगभग 10 सालों का समय लगता है। फैक्ट नंबर 20। जब सूरज के वातावरण में बनने वाली मैग्नेटिक एनर्जी एकदम से ही रिलीज होने लगती है, तो उस समय वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेज चमकती है, जिसे सोलर फ्लेयर्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 21। सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एनर्जी को कंपेयर करें तो दोस्तों, ये एनर्जी लाखों 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम को एक साथ ब्लास्ट करने के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एक सोलर फ्लेयर की एनर्जी जितनी होगी। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, हम जब भी सूरज को नेकेड आई से देखते हैं तो वह हमें येलो, व्हाइट या ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में सूरज में वो सारे कलर मौजूद है जिनके बारे में आज हम जानते हैं। फैक्ट नंबर 23। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे सूरज के पास कोई भी अपनी रिंग नहीं है, लेकिन सूरज से कुछ माइल्स की दूरी पर एक डस्ट फ्री जोन है, जहां पर कोई भी स्पेस डस्ट मौजूद नहीं है।
फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, सूरज की सतह के कुछ हिस्से काफी ठंडे हैं, जो टेलीस्कोप से काफी डार्क कलर के दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 25। हमारे सौर मंडल में अगर परफेक्ट स्फेयर यानी गोल आकार का कोई स्पेस ऑब्जेक्ट है तो वह सूरज ही है, बाकी सभी ग्रह पूरी तरह गोल नहीं है। फैक्ट नंबर 26। दोस्तों, सूरज के इक्वेटर में एक काफी बड़ा डार्क स्पॉट है, जिसे टेलीस्कोप के द्वारा पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है। इन स्पॉट में दो रीजन है, जिसमें डार्क रीजन को अम्ब्रा कहा जाता है और लाइटर रीजन को पेनम्ब्रा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 27। हमारी पृथ्वी के इकलौते चांद का आकार अगर हम सूरज से कंपेयर करेंगे तो चांद से सूरज 400 गुना ज्यादा बड़ा है। फैक्ट नंबर 28। दोस्तों, सूरज के पास भी जुपिटर और सैटर्न जैसी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, जिसे बॉल ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 29। सूरज के अंदर कई सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन दो गैसें ऐसी हैं जिनके बिना सूरज का कोई वजूद नहीं हो सकता। सूरज में 91% हाइड्रोजन गैस मौजूद है, वहीं 7.8% हीलियम और 1.2% में अन्य गैसेस मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 30। दोस्तों, सूरज में तीन अलग अलग तरह की टेम्परेचर लेयर है। सबसे पहले आती है क्रोमोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री से लेकर 8000 डिग्री तक चला जाता है। दूसरा फोटोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर 15000 डिग्री से लेकर 20000 डिग्री तक चला जाता है। और आखिरी में आता है कोरोना, जिसका टेम्परेचर 1000000 डिग्री से लेकर 2 करोड़ डिग्री तक चला जाता है। फैक्ट नंबर 31। दोस्तों, सूरज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300000 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। फैक्ट नंबर 32। सूरज के फोटोस्फेयर लेयर इतनी ओपेक है, यानी इतनी धुंधली है कि आपको लगेगा कि सूरज में एक सॉलिड सरफेस भी है, लेकिन वह असल में गैसों की मोटी और धुंधली लेयर है। फैक्ट नंबर 33। दोस्तों, ये सूरज से जुड़ा फैक्ट बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सूरज स्थिर नहीं है, वह मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। इनफैक्ट हमारा पूरा सौर मंडल ही मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और सूरज करीब 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट कर रहा है। फैक्ट नंबर 34। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही विशाल है। सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 20 से 25 करोड़ सालों का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 35। पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा पहला ऐसा मिशन रहा है जो सूरज के सबसे करीब जाएगा, और अभी भी ये मिशन जारी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 36। सूरज के पास अभी भी इतना न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है कि आने वाले 5 अरब सालों तक वह अस्तित्व में रहेगा। फैक्ट नंबर 37। सूरज की एज अभी तक 4.5 अरब साल हो चुकी है, तो सूरज अभी येलो ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में है। अगर सूरज किसी तरह 10 अरब साल पूरे कर लेता है तो वह वाइट ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 38। 2022 में इसरो सूरज के कोरोना की पढ़ाई के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो होपफुली 2022 के मिड में लॉन्च हो जाएगा। फैक्ट नंबर 39। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि सूरज में हमारी पृथ्वी जैसी 1300000 पृथ्वी आसानी से समा सकती है, लेकिन हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर, जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है, सूरज में यही करीब 1300 जुपिटर आसानी से समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 40। सूरज अपना एक पूरा रोटेशन 25 से 30 दिनों में पूरा कर लेता है। फैक्ट नंबर 41। 1974 में स्काईलैब पहला ऐसा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट था जिसने सूरज को पहली बार स्टडी किया था। फैक्ट नंबर 42। हर 11 साल बाद सूरज के पोल रीजन रिवर्स हो जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल रीजन बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल रीजन बन जाता है। फैक्ट नंबर 43। अगर हम पृथ्वी से सूरज को देखेंगे तो सूरज हमें येलो कलर में दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सूरज को स्पेस से देखेंगे तो वह हमें पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 44। सूरज रोजाना न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में 4000000 टन हाइड्रोजन गैस को जलाता है। फैक्ट नंबर 45। जब सूरज का अंत होगा तब वह एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा, जो सूरज के बचे हुए अंश से ही बनेगा। फैक्ट नंबर 46। जब सूरज का एनर्जी सोर्स यानी हाइड्रोजन पूरी तरह जलकर खत्म हो जाएगा, तब सूरज एक रेड ड्वार्फ स्टार में बदलने लगेगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने भी लगेगा और यहाँ तक कि अपने आसपास के सभी ग्रहों को भी निगलने लगेगा, जिसमें हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह भी शामिल होंगे। फैक्ट नंबर 47।
जिस वक्त सूरज की आउटर लेयर यानी कोरोना बिखर जाएगी यानी खत्म होने की कागार पर होगी, तो उस समय सूरज येलो ड्वार्फ स्टार से व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलने लगेगा। फैक्ट नंबर 48। दोस्तों, जब से सूरज का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक सूरज अपने आकार का 20% के करीब बड़ा हो चुका है, और नासा के रिसर्चर्स का मानना है कि जब सूरज अपनी आधी लाइफ को पूरा कर लेगा यानी अब से 40 करोड़ साल बाद सूरज का आकार ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 49। दोस्तों, जब सूरज अपना रेड जायंट फेज को पूरा कर लेगा तब सूरज बिखरने लगेगा। उस समय सूरज का मास भी उतना नहीं रहेगा, लेकिन सूरज का वॉल्यूम उस समय पृथ्वी के जितना हो जाएगा, और उस वक्त सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। फैक्ट नंबर 50। सूरज अपने आखिरी समय में बहुत ही डिम और ठंडे सेलेस्टियल बॉडी में बदल जाएगा, जो पहले व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। जब ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी हमारा सूरज पूरी तरह ठंडा होकर रोशनी देना बंद कर देगा, तो उस समय सूरज अपने आखिरी पल देख रहा होगा और एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जो पूरी तरह ठंडा हो चुका होगा, और आखिरी में वह बहुत बड़े धमाके में खत्म हो जाएगा, जिसे हम सुपरनोवा इवेंट से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे सूरज से जुड़े 50 अननोन फैक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।